डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, ये बताइए कि कल पहले आपने कहा कि हम बायकॉट करेंगे, फिर आप इजलास में पार्लियामेंट के बैठ गए, आज फिर इसी तरह एक नाराज़ी रही, फिर आप मान गए। बुनियादी तौर पर शिकवा आपका ये है कि हमें सिर्फ ब्रीफिंग दी गई, हमारे साथ उस तरह मुशावरत नहीं की गई, लेकिन आप पीपल्स पार्टी और नून लीग अवाम को मसाइल से निकालने के लिए एक साथ बैठे थे, तो क्या ये हुकूमत की इस बात को रिफ्लेक्ट नहीं करता कि कितनी अंडरस्टैंडिंग और कितनी सीरियसनेस मौजूद है आप दोनों के बीच? देखिए, जो डिफरेंसेस थे वो सिर्फ उन प्रिंसिपल्स पर थे जिन प्रिंसिपल्स पर हमने मुआहदे किए थे, और पीपल्स पार्टी के कोई इसमें जाति इश्यूज नहीं थे। लेकिन क्योंकि हमारे बैक पर हमारे वोटर्स हैं, और जिन जिन हलकों से हमारे मेंबर्स आए थे उनके जो कमेंट्स हैं वो जब चेयरमैन साहब ने सुने, तो फिर ज्यादातर व्यू यही आया कि हमें ऐसी कोई बात नहीं थी कि हमें बॉयकॉट करना है या कुछ करना है, लेकिन ये बात जरूर कही गई थी कि उनको रियलाइज करने चाहिए कि दे कैन नॉट टेक अस फॉर ग्रांटेड। पीपल्स पार्टी इस वक्त अनकंडीशनल इनको हुकूमत को सपोर्ट दे रही है, हम इनको कोरम प्रोवाइड करते हैं, इनके वजीर नहीं आते तो हम बैठकर मतलब काफी एक डेप्थ देते हैं हुकूमत को ट्रेजरी बेंचेस में बैठकर। तो ये तो हमारा एक बुनियादी हक है कि उस जमात जो मुल्क के लिए, वरना हमारा कोई नेचुरल अलायंस तो नहीं है, मुल्क की खातिर हमने नून के साथ एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल सिचुएशन में थी नून। लेट्स नॉट फॉरगेट कि आज भी नून के ऊपर जो पंजाब में जिस किस्म की हर्जा सराय या हमले हैं उससे वो उनकी बहुत मुतनाजा सिचुएशन है। पीपल्स पार्टी एक स्टेबिलिटी दे रही है इनको, तो हमारा तो एक मिनिमम कॉमन एजेंडा था। कुछ पीएसडीपी के इश्यूज थे, कुछ हमारे जो मुख्तलिफ सूबे हैं उसमें सियासी स्पेस के हवाले से बातचीत थी। अगर इतना भी नहीं कर सकते नून, तो फिर हमारा राइट है कि हम अपनी नाराजगी दिखाएं, और उसमें बिल्कुल कोई ऐसा नहीं था जैसे पीटीआई जीरो सम गेम करती है। हमने तो ये कहा था कि जब तक हमारे मुतालबात हल नहीं होते तो हम थोड़ा बहुत दूर, और फिर जब वो आए उन्होंने अश्योरेंस दी तो फिर भी हमने टोकन पार्टिसिपेशन की, हमने फुल पार्टिसिपेशन नहीं की है, हमने महज टोकन पार्टिसिपेशन की है। तो हमारा डायलॉग जारी है, एंड आई होप कि जो इश्यूज पीपल्स पार्टी ने रेज किए हैं अपने अवाम और अपने हलकों के लिए वो पीएमएलएन रिजॉल्व करेंगे। डॉक्टर साहब, अगर आपकी रिजर्वेशन जो है वो एड्रेस नहीं होती, आपके मुतालबात नहीं माने जाते, तब भी आप इस सिस्टम को बचाने के लिए इस बजट कोई मंजूरी में हुकूमत का साथ देंगे? क्योंकि हुकूमत की मजबूरी, एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ आईएमएफ है, उन्होंने आईएमएफ को भी राज़ी करना है। अगर आपके रिजर्वेशन या आपके डिमांड्स को एड्रेस नहीं किया जाता तो फिर भी आप साथ देंगे, आप वोट देंगे? देखिए, कोई ऐसे इश्यूज नहीं है जो आईएमएफ से रिलेटेड है। हमें पता है कि आईएमएफ के स्ट्रक्चर में बजट देना हुकूमत के लिए एक चैलेंज है, और अवाम को इसकी तकलीफ होगी, तो ये पॉलिसी इश्यूज पर तो हम बात करेंगे। लेकिन हमने जो बेसिक बात की है वो तवाजुन की बात की है पीएसडीपी में, जो माजी में नहीं रहा है, और हमने बात की है कि जो जिन जिन हलकों में से हमारे मेंबर्स जो हैं वो विन करके आए हैं उनको पॉलिटिकल से ही, कोई बड़ी बातें नहीं की हमने, बहुत ही बुनियादी बातें की हैं। जहां तक पॉलिसी इश्यूज है वहां पर तो हम लोग बजट में अपना स्पेस नहीं छोड़ेंगे, हम अपने अपने जो पोजीशंस हैं, अपनी अपनी जो बेंचेस हैं वहां से हम उठकर जरूर एक तनकीदी जायजा इस बजट पर लेंगे, और बहुत कुछ है इस बजट के लिए कहने का। तो ये यकीनन हम ये बिल्कुल हरगिज ऐसा माहौल नहीं पैदा करेंगे कि हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, और वो इस वक्त ऑप्शन नहीं है, इट्स टू अर्ली। और हम तो चाहते हैं कि हम चांस दें सिस्टम को, हम खुद सियासी इस्तेहकाम जो है उसके बार बार हम यही बात करते हैं कि सियासी इस्तेहकाम के लिए हमने किया, वरना जो इस वक्त मैं समझती हूं कि मैं अब बहसियत पॉलिटिकल वर्कर ये समझती हूं कि अगर पीटीआई हुकूमत नहीं बना रही थी तो पीपल्स पार्टी का नून साथ देती और हमें हुकूमत बनानी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल हमारी क्यादत का ये फैसला था कि और फिर नून खुद उन्होंने फिर जैसे भी उनके नंबर्स आए नहीं आए वो तो अब पता नहीं, कोर्ट्स में सारे केसेस हैं, लेकिन
इस वक्त हम सियासी इस्तेहकाम के लिए ही हुकूमत का साथ दे रहे हैं और मुल्क की खातिर हुकूमत का साथ दे रहे हैं, लेकिन लेकिन ऐसी ऐसा भी ना हो कि किसानों का इतना बड़ा स्कैंडल हो और हम आवाज भी ना उठाएं, महंगाई की एक तूफान हो और हम आवाज भी ना उठाएं, प्राइवेटाइजेशन के नाम पर अगर क्रोनी कैपिटलिज्म चले तो हम वो बात भी ना करें, तो ऐसा नहीं होगा। नहीं, इस बजट डिबेट जरूर करेंगे अपने जी। डॉक्टर साहब, अगर आप वोट देते हैं तो सिर्फ ये आवाज़ जो उठा रहे हैं इससे तो लोग मुतमईन नहीं होंगे, जब प्राइवेटाइजेशन में भी यानी वो बजट का हिस्सा है, बाकी महंगाई वगैरह सब कुछ है और वो आता है तो लोग ज़ाहिर बात है सिर्फ हुकूमत की मुखालफत तो नहीं करेंगे, आपके बारे में भी कहेंगे कि जी इन्होंने ये सारी जो बयानबाजी की थी सिर्फ ड्रामाबाजी थी और हमें बेवकूफ़ बनाने के लिए थी, तो लोग तो फिर आपको भी मतून ठहराएँगे, आपके ख़िलाफ़ भी बात करेंगे। देखिए, मैं समझती हूँ कि ये जैसे मैंने कहा कि हम एक मकसद के लिए हुकूमत के साथ हैं और वो मुल्क की खातिर हम साथ हैं, हम इसलिए नहीं आए कि एक ही पहले बजट में ही हम हुकूमत को डिस्टेबलाइज करें, लेकिन हमारे पास इतने और स्पेस है, हमारे पास आवाज है, हमारे पास यू नो कमिटीज हैं, तो हम अपने जो हमारे जो रिजर्वेशंस हैं, जो हमारी अपनी पोजीशंस हैं, जो हमारा अपना मैनिफेस्टो है, जो लोगों से हमने वायदे किए हैं, उन प्रिंसिपल्स पर हम बात जरूर करेंगे और हम इस एंगल से बात करेंगे कि हम हुकूमत से अपने जायज मुतालबात मनवाएंगे। लेकिन ये कहना कि नहीं क्योंकि अब हमने वोट दिया तो ये सारा एक ऑप्टिक्स है, ऐसी हकीकत ये बिल्कुल अच्छा, डॉक्टर साहब नहीं है। अगर ऑप्टिक्स की बात होती तो कल हम इतनी स्ट्रांग पोजीशन नहीं लेते, बहुत ही मैं मेरे नजदीक पार्टी ने एक स्ट्रांग पोजीशन ली, एक क्लियर पोजीशन ली। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा इसलिए कि हम चाहते हैं कि हुकूमत को नज करने के लिए कि आप एक कदम आगे बढ़े, और मैं समझती हूँ इसका फायदा हुकूमत को भी होगा और हमें भी होगा। डॉक्टर साहब, हमें फायदा होगा तो हुकूमत को भी होगा, बिकॉज आफ्टर ऑल वी आर हेल्पिंग द गवर्नमेंट इन हैविंग अ स्टेबल गवर्नमेंट। सही है डॉक्टर साहब, ये बताइएगा जो फेडरल बजट आया है कल, जो तजावीज सामने आई हैं उस पर बहुत ज्यादा टैक्सेस हैं। आज पंजाब ने बजट पेश किया है और उन्होंने टैक्स फ्री बजट पेश कर दिया है, अगर सूबे टैक्स फ्री बजट देते रहे तो IMF क्या उससे मुतमईन होगा और क्या फेडरेशन माली एतबार से मजबूत होगी? देखिए, अब मैंने पंजाब का इतनी तफसील से नहीं देखा, वहां जो हमारे पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर हैं अली हैदर गिलानी, उन्होंने भी तहफ़ुज़ात का इजहार किया है कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। मैं ये समझती हूं कि वाइल हमारे प्रोविंसेस को बिल्कुल सोशल सेक्टर पे स्पेंड करना चाहिए, अवाम के ऊपर स्पेंड करना चाहिए, लेकिन हमें सूबों को भी एक डिसिप्लिन में, एक फिस्कल डिफिसिट में रहकर करना होगा। अब देखिए, सिंध ने बहुत एक कंसिस्टेंटली अपने रेवेन्यूज बढ़ाए हैं, दे हैव शोन कि दे आर अ रिस्पॉन्सिबल यूनिट, जहां अपने रेवेन्यूज बढ़ाए हैं तो उन्होंने फिर उनको हक है कि अपनी स्पेंडिंग्स भी बढ़ाएं, लेकिन सूबों को भी ये क्योंकि वफाक है तो हम ये नहीं चाहेंगे कि पूरा प्रेशर जो है वो वफाक या सेंटर ले और सूबे जो हैं उसमें अपना हिस्सा नहीं डालें, लेकिन उसके लिए वफाक को सूबों को जोड़ने के लिए जो आईनी फोरम्स हैं, एक CCI है, एक नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल है, गालिबन एक आईनी इदारा है जिसमें इकोनॉमिक पॉलिसीज जो हैं वो सूबे की मशावरत से होती हैं। अगर वफाक सूबों को साथ लेकर जोड़कर इक्तसादी पॉलिसीज बनाएगी और तो मैं समझती हूँ डुप्लीकेशन नहीं होगी और गुड गवर्नेंस होगी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वफाक का जो माजी का एक पहलू रहा है कि वो सूबों को इन सारी चीजों से दूर रखते हैं, एक ओवर कॉन्फिडेंस है या एक एरोगेंस है वफाक में जो नहीं होना चाहिए। सारे सूबे, छोटे से छोटा सूबा हो बड़े से बड़ा, सबकी अपनी एक वैल्यू है। बलूचिस्तान आपको इतने मिनरल्स देता है, इतने मिनरल्स देता है कि अगर आप बलूचिस्तान के साथ उनको वहां पर ये सिविल वॉर वाली सिचुएशन खत्म करके बलोच अवाम को साथ लेकर अगर आप चलें तो एक सूबा इस मुल्क के मसाइल हल कर सकता है। आई कैन से दैट विद कॉन्फिडेंस। सिंध के आप थर कोल को, अगर थर कोल की आप ईंधन
इस्तेमाल करते 20 साल पहले जब शहीद बीबी बात कर रही थी, तो मैं समझती हूँ आज जो ये आईपीपीज का एक बहुत बड़ा फ्रॉड इस मुल्क के अवाम के साथ हुआ है वो नहीं होता। तो आप प्लीज छोटे सूबों पर एतमाद करके वफाक को अपनी इक्तिसादी पॉलिसी अगर जोड़ेगी तो मुल्क को फायदा होगा। डॉक्टर साहब टाइम कम है, ये फरमाएं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इमरान खान को मशवरा दिया कि आप मुज़ाकरात करें, वो मुज़ाकरात पर आमादा हैं, अब आपकी पॉलिसी क्या होगी? हुकूमत लगता है कि मुज़ाकरात की तरफ नहीं आ रही, तो अब हुकूमत को मजबूर करेंगे कि वो मुज़ाकरात करें और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाएं? देखिए, मैं समझती हूँ कि इस का यकीनन एक पॉजिटिव होगा, एक पूरे इस मुल्क के सियासी जो पस मंज़र है या सियासी टेम्परेचर है या वेदर है, इसमें बिल्कुल इसका सिर्फ इनका कहना ही इसमें यकीनन एक होगी। लेकिन माजी की जो पीटीआई का रिकॉर्ड रहा है कि वो बहुत डबल स्पीक करते हैं, वो एक बात कहते हैं लेकिन करते कुछ और है, तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये इस डायलॉग में वो यकीन रखते हैं, तो फिर ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन आई होप कि इसमें इसकी अपॉर्चुनिटी हम सबको लेकर और इसको आगे बढ़ना चाहिए, और फिर पीटीआई को भी ये चाहिए कि अगर वो डायलॉग की बात कर रहे हैं तो फिर महाजाराई की सियासत जो है वो बंद होनी चाहिए, और फिर वो इस मुल्क में कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करें, और एक तरफ धमकियां, वो जो खैबर पख्तूनख्वा में जो एक लाउड स्पीकर वहां बैठे हुए हैं, आया दिन इतनी गैर जिम्मेदारी से वो बात करते हैं, मुझे तो हैरत है कि उनको एक आईनी पोजीशन बहसियत चीफ मिनिस्टर इतनी जिम्मेदार पोजीशन होती है और वो इस तरीके से महाजाराई और जो जिस किस्म की उसकी जबान दराजी करते हैं, ये तो बहुत अफसोसनाक बात है। कभी हमारे गवर्नर को धमकियां, तो कभी वफाक को धमकियां, तो कभी किसी को धमकियां, तो ऐसे नहीं, ये जो इनकी बहुत ही लाउड किस्म की पॉलिटिक्स है इसको एक धीमापन दें, थोड़ा आप कंस्ट्रक्टिवली इंगेज करें हुकूमत के साथ, अपने अवाम के साथ, अपने लोग और अपने लोगों को और वोटर्स को ब्रेक दें। कितना इनके लोगों को तकलीफ आई है।